ज्यादा समय लीजिएगा, क्योंकि क्योंकि कारण है कि देशभक्ति की थोड़ा अभी समय ढलने दीजिए, अभी कीर्तन चले फिर चलेगा, है ना? अभी सुना देंगे तो अभी चले जाओ। और क्या, और क्या? आइए कटवी साहब का आदेश, फिल्मी दुनिया वाले गा रहे हैं, नहीं यही वाले गा रहे हैं, सुनेगा सुनिए। कि जब से निकले लो घर से बहुया, आपकी सेवा में है, सुनेगा। भगवान भोलेनाथ से माता भवानी ने कहा भोलेनाथ, और फिर से जय बजरंग मानस समिति नैनी प्रयागराज से, अच्छा कमेटी, जय बजरंग मानस कमेटी नैनी प्रयागराज से अध्यक्ष हमारे बड़े भैया मनोज कुमार साहू जी, और भैया हमारे श्यामू तिवारी जी महामंत्री हैं। क्या बात है, आपके कर कमलों से 501 मत मुद्राए हैं, ये तो खाली तर्ज थी, और क्या बात, तो तब है जब मर्ज पे आ जाए, ये तो फिल्मी तर्ज है, लेकिन कलाकार की कला पे आ जाए तब आशीर्वाद सुनेगा। सुनिए, भगवान भोलेनाथ ने माता भवानी को कथा सुनाना प्रारंभ किया, माता ने कहा मुझे अमर कथा सुननी है, और क्या भोलेनाथ एकांत में ले गए, जो अमर कथा अकेले में सुनाएंगे होगा सबको सुना दी, सब अमर हो जाएंगे, तो भोलेनाथ का काम है खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो तो संहार करता है। भोलेनाथ ने कथानक सुनाना प्रारंभ किया, लेकिन राम कथा ऐसी है भैया जी, अमर सब क्यों नहीं हो पाते हैं, अमर तो आज भी हो जाए, लेकिन अमर इसलिए नहीं हो पा रहे, लोग पूरी सुन ही नहीं पाते हैं। ये हमारी आपकी तो छोड़िए, स्वयं जगत जननी को नींद आ गई, माता माता सुन रही है, भोलेनाथ सुना रहे हैं, डमरू बजाया सभी पशु पक्षी जीवों को वहां से भगाया, केवल भोलेनाथ माता भवानी है, लेकिन वहाँ सुख के अंडे रखे हैं। सुनना कटवी इसको, सुनना कि माँ सोई कथा में जरा है, क्योंकि जब तक उसमें जीव आ गया है, लेकिन माँ सोई कथा में भरा है, तभी तो तेहूं का भरा है, जब देखा शिव सम्मुख दाएं बाएं रे, दाएं बाएं रे, अरे दाएं बाएं रे, साची का तनु, भोलेनाथ ने आगे पीछे ऊपर नीचे देखा, कौन बोल रहा है, जब देखा तो संबोधित
देखा क्या, उधर वेद व्यास जी की पत्नी को जमुआई आ गई, और जब जमुआई आ रही थी इधर से सुखदेव चले जा रहे हैं, सुख चले जा रहे हैं, तो लखा एक नारी को अंदर है, भोलेनाथ बाहर खड़े हैं, भोलेनाथ बोले क्या हुआ, तू नारी के गर्भ में चला गया है, और जो नारी के पेट में चला जाता वो 9 महीने बाद तो निकल के आ ही जाता है, तो 9 महीने बाद तो निकलेगा ही। भोलेनाथ बोले बोले शिव शंभु हम ना जाए रे, तोता भी बोला हम ना आए रे, बोले 9 महीने बाद तो आओगे, बोले भूल कर रहे हो भोलेनाथ, और विश्वास मानिए 9 महीने छोड़िए 9 साल हो गए वो बाहर नहीं निकला, 12 साल हो गए, तब देवताओं ने निवेदन किया, भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया, तब बाहर निकला, और वो कोई और नहीं स्वयं सुखदेव जी महाराज, जिन्होंने कथा अमृत भागवत का पान कराया। लेकिन जानकी भैया संयोग देखना, संयोग भगवान भोलेनाथ ने एक पक्षी, अभी पक्षी गा रहे थे आप इसलिए मुझे पक्षी की याद आ गई, एक पक्षी के पीछे त्रिशूल छोड़ा तो उनके आराध्य श्री राम भी पीछे नहीं हटे, ना बैठे ना, जब जयंत ने कौवा बनकर के माता जानकी के चरण में चोंच मारी, मूड़ मंद मति कारण कागा, और जब भागा कागा भैया, तब करिया का सूझे नजरिया, ओ का मिले न कोनो डगरिया, जब भागा वो कागा तो मारे दाने मारे रे, अरे दाने मारे रे, जब चला तीर रघुबर का साए साए रे, चला तीर रघुबर का साए साए रे, तो करके भागा कागा। कौवा तो भूल गया, काँव काँव नहीं कर रहा, चिल्ला रहा है, और क्या और क्या, काँव काँव भूल गया, जब उसको जान के लाले पड़े तो काँव काँव की जगह काँए 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 करने लगा। कोई बचा नहीं रहा भैया जी, सभी देवतन के पास जा रहे हैं, हमारा एक छोटा भाई है सचदेवा शरारती, बोलता है देवतन के पास जा रहे तो सभी देवतन का छूबे वो पुणे पुणे रे, महाराज बचा लो, सब देवतन का छूबे वो पुणे पुणे रे, और देवता करे अब भागवाए, जाइए हम नहीं बचा पाएंगे, महाराज जाइए। अब चिड़िया हंसने लगी, बड़ा घमंड था जयंत, और जा बड़ा घमंड था, आज आया ऊंट पहाड़ के नीचे, कौवा बन के गए थे, तो चिड़िया जब हंसने लगी तो कौवा को गुस्सा आ गया, बोले अरे ऐसे न करना तू चाहे गुरु है हमारे भैया दादा श्री शिवम आजाद जी, आजाद हनुमान जी तिवारी जी, आपके कदमों से 101 पद मुद्रा है नमन कर रही हूं, और भी हमारे श्री भगत जी राम आश्रय, आपके कदमों से 51 पद मुद्रा है हमारे महाराज जी के लिए प्रदान है, धन्यवाद है।